उनके मुकद्दर का जेवर होता है, वक्त से उलझने का जिनमें तेवर होता है, जो बढ़ने का हुनर जानते हैं, हालातों के काले साए से लड़ने का गुर जानते हैं, वही डायमंड होते हैं। सेफ शॉप के उन्हीं डायमंड में से एक है राइजिंग स्टार विपिन कुमार भगत। बिहार अहिंसा के पुजारी सम्राट अशोक की धरा, महासंत बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की वसुंधरा। इसी प्रदेश के रसद मधेपुर में 25 जुलाई 1978 में श्री लक्ष्मण प्रसाद भगत और श्रीमती पार्वती देवी की दूसरी संतान के रूप में जो खिलखिलाहट मुस्कुराई थी, वही है आज के डायमंड राइजिंग स्टार श्री वी के भगत। एक किसान के बेटे, वही किसान जो देश का अन्नदाता है, जो जमीन के पृष्ठों पे अपने हल से अन्न की कविता लिखता है, ऐसे कृषक के अनस से उपजे राइजिंग स्टार श्री वी के भगत ने अक्षरधन उगाना सीखा हरी मोदी विद्यालय से 1992 तक, दसवीं पढ़ी अनुपलाल मेहता कॉलेज से 1994 और 12वीं से अक्षर ज्ञान सीखा रामकृष्ण द्वारिका विद्यालय पटना से 1996 तक। राइजिंग स्टार वी के भगत ने तरक्की से पहले सुख दुख के कितने ही दौर देखे, पढ़ने के लिए पढ़ाते रहे। फिर अपनी कोशिश से आर्मी से जुड़ गए, सन था 1997। देश की सेवा करने वाले इस महानायक ने 6 जून 2001 को सौभाग्याकांक्षी अनोखी देवी से अपना जीवन संबंध स्थापित किया। उनका सानिध्य सदैव साथ रहा। आर्मी में नौकरी करते हुए 14 साल गुजर गए, लेकिन तरक्की के मुकाम को छूने का ख्वाब अब भी। इसी दौरान वाकया ये हुआ कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई, जहां आपकी मुलाकात आपके ही साथ नौकरी करने वाले वर्तमान के डबल डायमंड लीडर अनमोल झा से हुई, जिन्होंने महानतम कंपनी सेफ शॉप का प्लान समझाया और 10 जून 2009 को आप सेफ शॉप की वरिष्ठतम मिशन से जुड़ गए। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद भी 3.5 साल तक आप काम नहीं कर पाए, लेकिन तब भी सिस्टम की बारीकियां जानते रहे। सितंबर 2012 में पठानकोट से दोबारा इस बिजनेस का प्रारंभ किया। टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आता दस्तखत कर दे। कर दे है चाह तो है रास्ता।
कई मर्तबा हुआ आपका नेटवर्क बना, फिर टूटा, फिर बना और फिर टूटा, लेकिन आप हार नहीं मानी। आपकी अपलाइन श्री पीआर चौधरी जी के नेतृत्व में आप बढ़ते रहे और देखते ही देखते वक्त का, उन्नति का वो मकाम हुआ जिस मकाम को छूना हर किसी के बस की बात नहीं। और फिर सफलता के नए अध्याय लिखने का नूतन स्तर आरंभ हो गया। शहर था पठानकोट, हिमाचल प्रदेश, और फिर उम्मीद नहीं हारी। राइजिंग स्टार वी के भगत ने अपनी हौसलों की फसल दिल्ली, जबलपुर, चित्रकूट, राजनगर, पठानकोट में उगा के दिखाई। आप सिल्वर बने, गोल्ड बने, पर्ल बने, टोपैज बने, एमरल्ड बने और रूबी बने। आज राइजिंग स्टार वी के भगत तरक्की का आकाश छू रहे हैं। सेकेंड हैंड साइकिल में सफर करने वाले इस महानायक ने पहली बाइक हीरो होंडा पैशन प्लस खरीदा, फिर 26 लाख का घर लिया। टाटा बोल्ट एक्सएल जो 6 लाख की है उसे खरीदा, 200 गज का प्लॉट भी लिया और 100 गज का कटियार में फिर प्लॉट लिया। 2017 में 2 बार थाईलैंड टूर किया। आज दिल्ली, जोधपुर, इम्फाल, पुणे, अंबाला, अगरतला, अरुणाचल प्रदेश जैसे शहरों में अपना आधिपत्य स्थापित कर दिखाया है। उनकी आरजू सौरभ सत्यम जो कि 10वीं जमात में है और आशु जो कि 4थी कक्षा में है, आज हौसलों की हॉकी से जज्बों के शॉट लगा रहे हैं। आज धन धान्य संपत्ति से युक्त है राइजिंग स्टार विपिन कुमार जी का जीवन, एक रॉयल जीवन है। उन्नति के शिखर को छूने वाले इस अजीम बादशाह को केसरिया श्वेत हरित सलाम। जय हो डायमंड श्री वी के भगत, जय हो सेफ शॉप। उम्मीदों के आसमान पे सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के वक्त से आगे जाते हैं। जो अपना मुकाम कर लिखते हैं, मंजिल बुद्धि बनाते हैं, से लड़ते साहस पहने चलते हो।